नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंडाइजेशन के बारे में। पशुओं में जो बीमारी होती है अपच, सिंपल इंडाइजेशन हम जिसको हम अपच कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि यह किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं और पशुओं को इसमें क्या हमें ट्रीटमेंट देना होता है, क्या हम इसको इसमें इलाज दे सकते हैं पशु का ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि अपच होता क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको अपच के बारे में बताता हूँ, फिर इसका जो कारण है उनके पूरी जानकारी बताऊँगा, फिर जो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं इस बीमारी में, जिससे हम इसको अच्छा ट्रीटमेंट उपचार दे सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सिंपल इंडाइजेशन जिसको हम अपच कहते हैं, तो अपच क्या होता है कि जो पशु के रूमिनल जो मूवमेंट्स जो होते हैं, रूमन की जो गतिशीलता जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से जो हम आहार वगैरह जो खिलाते हैं, फूड वगैरह, फीड, वाटा, दलिया जो भी हम खिलाते हैं वो अच्छी तरह से नहीं पचता है, जिसके कारण से पशु को अपच होती है और उसको तकलीफ होती है। तो हमें इसमें क्या उपचार देना होता है और ये किस कारण से ये सिंपल इंडाइजेशन होता है, ताकि हम इसका ध्यान रखें सभी पशुपालक और जो भी हमारे वेटरनेरियन साथी है इसके बारे में। तो दोस्तों हम इसमें जान लेते हैं कि इनके जो कारण है, इटियोलॉजी जो है कि ये किस कारण से होता है सिंपल इंडाइजेशन पशुओं में। तो दोस्तों ये जो कारण है इनके, वो है कि सड़ा गला हुआ, फफूंद लगा हुआ जो हम घटिया आहार खिलाते हैं उनके कारण से सिंपल इंडाइजेशन नॉर्मली तौर पर हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन्स की कमी होती है आहार में जो हम खिलाते हैं पशुओं को। अधिक मात्रा में अगर हम उसको कंसंट्रेटेड दाना खिला देते हैं तो इसके कारण से भी सिंपल इंडाइजेशन पशु को अपच होने लगती है। और अगर हम पशु को अधिक गर्म या ठंडा आहार खिला रहे हैं तो जिसके कारण से भी पशु को तकलीफ होती है और उसको अपच होती है सिंपल इंडाइजेशन। और अगर हम अचानक आहार में भी अगर अचानक परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले सूखा चारा ज़्यादा खिलाते थे फिर अचानक हरा चारा खिलाने लगे, तो इस तरीके से अचानक परिवर्तन भी कर लेते हैं आहार में, तो सिंपल इंडाइजेशन हो जाता है। और इसके अलावा कई रोगों के उपचार में जो हम दवाएं उपयोग में लेते हैं उनके कारण से भी सिंपल इंडाइजेशन होता है, जैसे सल्फा और एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फा और एंटीबायोटिक्स जिनके कारण से भी पेट की अम्लता बढ़ जाती है और एनिमल में रूमिनल मूवमेंट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से पशु खाना पीना अच्छी तरह से नहीं खा पाता है और जो खाता है वो अच्छी तरह से पचा नहीं सकता है, जिसको हम अपच कहते हैं। तो अभी पशु को अगर अपच हो रहा है तो इसके जो लक्षण है वो क्या दिखाई देंगे कि पशु को अपच हुआ है, इसके कारण क्या हो, तो मैंने आपको बताया, लेकिन कन्फर्म कैसे होगा कि वाकई में उसको अपच हो रहा है। तो दोस्तों पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है, आपका जो पशु है पशुपालक का, वो क्या होता है कि खाना पीना छोड़ देता है और जुगाली कम करने देता है, रूमन की गति कम होने से उसको कब्ज का होना लगता है, जुगाली जो है वो कम करने लगता है और जो उसके रूमन जो होता है, पेट जो होता है, स्टोमक, उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, मूवमेंट्स कम हो जाता है, जिसके कारण से पशु को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन होता है और पशु जो है सुस्त रहता है और दूध देना कम कर देता है। इस प्रकार के ये इसके लक्षण है। इसके अलावा यदि पशु सड़ा गला, फफूंद लगा हुआ अगर आहार खा रहा है, उसको अगर सड़ा खिलाया गया है तो पशु को दस्त लगती है, दस्त करने लगता है, पतला पतला गोबर करने लगता है और हल्का उसको आफरा होने लगता है, हल्का हल्का आफरा उसको महसूस होता है उस पशु में। तो इस प्रकार के जो ये लक्षण दिखे तो अगर तो पशु में हमें पता चल जाता है कि उसको सिंपल इंडाइजेशन या फिर अपच हुआ है।
अब इसमें दोस्तों जो है हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसका उपचार क्या करेंगे अगर पशु को सिंपल इंडाइजेशन है, अपच है पशु को अगर, तो हमें उनको उपचार में क्या करना है कि जो हमें जो आहार में जो परिवर्तन किया है वो 3-4 दिन के लिए हमें बंद कर देना है। पशु के आहार में जो परिवर्तन किया है उसको 3-4 दिन के लिए बंद कर देना है, जिससे वो अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। अगर फिर भी अगर पशु इससे ठीक नहीं हो रहा है तो हमें इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना होता है कि अगर रूमन के अगर हम पीएच चेक करते हैं तो पीएच से अगर एल्कलोसिस पता चलता है तो उसको हम एल्केलाइन इंडाइजेशन, पीएच अगर हाई है तो उसमें हमें ये मेटर देना चाहिए, जिसमें 10% सिरका 1 लीटर पानी में घोलकर दिन में 2 बार पिलाना चाहिए अगर एल्कलोसिस पशु को है तो, पीएच हाई होने पर। और अगर एसिडोसिस है जिसमें एसिडिक इंडाइजेशन है और पीएच लो है तो उसमें हमें 5% सोडा बाइकार्बोनेट इंट्रावेनस आईवे रूट से 450 ml और सबकट 50 ml या 20 ग्राम खिलाना चाहिए, या फिर MGOH तो 500 ग्राम पर 450 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3.5 लीटर यानी कि 3.5 लीटर पानी में उसको घोलकर 3 दिन तक पिलाना चाहिए। और इसके अलावा उसको सपोर्टिव थेरेपी में इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स बेलामेल लगाना चाहिए और स्टोमेचिक पाउडर HB यानी कि हिमालय बतीसा पाउडर खिलाना चाहिए दिन में 2 बार 2-3 दिन के लिए ओरली, मुंह के रास्ते से उसको हिमालय बतीसा और स्ट्रॉन्ग पाउडर ये दोनों खिलाने चाहिए। और इसके अलावा जो बोलेस रूमनटास बोलेस होती है और जो बायोबूस्ट बोलेस है उसको दिन में 2 बार 2-3 दिन तक खिलाना चाहिए। और इसके अलावा एंटी डायरियल, अगर पशु को डायरिया हो रहा है तो उसको नेबलोन पाउडर भी और डायरोक पाउडर, इन दोनों में से कोई सा भी एक पाउडर उसको 30 से 50 ग्राम पर डे खिलाना है। तो ये तो हुआ पशु का उपचार ट्रीटमेंट। अगर पशु को सिंपल इंडाइजेशन है, अपच है, पशु का खाना पीना जो है पच नहीं रहा है आहार, तो हमें ये उपचार करना चाहिए, आहार में परिवर्तन जो है 3-4 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, उसको सिरका पिलाना चाहिए 10% 1 लीटर पानी में अगर एल्कलोसिस अपच है तो, अगर एसिडोसिस अपच है तो उसको सोडा बाइकार्बोनेट जो है खिलाना चाहिए या फिर इंजेक्शन लगाना चाहिए। और इसके साथ में सपोर्ट थेरेपी में इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, स्टोमेचिक पाउडर हिमालय बत्तीसा, बोलस रूमनटास और एंटी डायरल पाउडर नेबलोन या फिर डायरोक उसको खिलाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार सिंपल इंडाइजेशन में पशु के इस तरीके से कारण और लक्षण और उसके उपचार हमें करना होता है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।